ओके, तो फाइनली गाइस यहाँ पर हम आ चुके हैं फ़ोन की स्क्रीन पर। और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ जो 2024 के अंदर अभी तक का, जब ये अप्रैल चल रहा है, आज अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अपडेट यहाँ पर देखिए 9 अप्रैल है और इधर आप देख पा रहे होंगे ऊपर में भी आपको मैं डेट दिखा दे रहा हूँ। अभी तक जो क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है वो भी 100% फ्री। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो 100% फ्री है। जो भी मैं आज ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, उस ट्रिक के जरिए आप 100% फ्री में अपने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वाले वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा भारत NXT एप्लीकेशन को अप्लाई करने का। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर कैसी है वो एप्लीकेशन। ये है वो एप्लीकेशन, इसका जो लिंक है, मैंने जो वीडियो अभी आपके सामने चल रही है इसके नीचे मैंने अप्लाई लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे लिंक से क्लिक करके डाउनलोड करते हो तो आपको 250 भारत NXT कैश मिल जाएगा। भारत NXT कैश क्या होता है मैं आपको पहले ही बता दूं। उससे पहले अभी आप देख पा रहे जिस NXT कैश की मैं बात कर रहा हूँ वो अभी मेरे पास 1578 यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये भारत NXT कैश आपको भी लेना है तो सिंपल सा बस मेरे वीडियो में जो लिंक दिया है वहाँ से डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अगर आपको पूरा अकाउंट बनाने का वीडियो देखना है तो जस्ट आपको वीडियो का लिंक उस पर मिल जाएगा, उधर से आप देख के अकाउंट बना लेना। अब यहाँ पर इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा ट्रांसफर करने के लिए कुछ इस तरीके से आपको जो क्रेडिट कार्ड दिखेंगे आपको ऐसे स्क्रॉल करना है और एक ऑप्शन मिल जाएगा सिंपल सा, इस ऐड कार्ड वाले पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आपको अपना नाम देना होगा, जो भी क्रेडिट कार्ड पर नाम लिखा रहेगा, उसके बाद जो आपका कार्ड का नंबर है, जो एक्सपायरी डेट है, जो CVV है आपके क्रेडिट कार्ड का, वो सारी चीज़ देने के बाद इधर जस्ट ऐड कार्ड पर क्लिक करना है। और आप देख पा रहे हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई करने के लिए उसमें से 1 रुपये को काटा जाएगा और फिर यहाँ पर आपके कार्ड को वेरीफाई करके 1 से 2 घंटे के अंदर यहाँ पर दे दिया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेगा जैसा कि भी आप देख पा रहे हो, नहीं तो फिर यहाँ पर इस तरीके से पेंडिंग लिखा रहेगा जब तक वेरीफाई नहीं होगा। कार्ड यहाँ पर ऐड करने के 1 से 2 घंटे के बाद आपके जो कार्ड है ये वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप लोग अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको बैंक अकाउंट में फ्री में निकालने के लिए रेडी हो जाएंगे, 100% फ्री में निकालने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर मान लीजिए आपने सारा चीज़ कर लिया है तो आपको एक प्रोसेस यहाँ पर करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, आप देखिए इधर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है बिजनेस पेमेंट का, सिंपल सा आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब इधर क्लिक करने के बाद आप देख पा रहे हैं ऐड पे का ऑप्शन आ रहा है, और अगर आप फर्स्ट टाइम इधर अकाउंट बना के आएंगे तो आपको जस्ट इस बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। अब आपको पैसा जिस अकाउंट पर निकालना है उसका डिटेल देना है। ध्यान रखिए कि अगर आप लोग अपना अकाउंट डिटेल देते हैं तो भी पैसा आ जाएगा, अपने फैमिली मेम्बर में किसी का दे दीजिए जो लोग फ़ोन पे गूगल पे चलाते हों उनके में आ जाएगा। फिर उसके बाद आप लोग फोन पे गूगल पे से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना। तो यहाँ पर सारा डिटेल देने के बाद जस्ट इधर एरो पे क्लिक करेंगे नीचे और ये जो अकाउंट है वो कुछ इस तरीके से और सेव होकर आ जाएगा, जैसे कि हमारे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी सेव होकर आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस पर टैप करेंगे। ठीक है, अकाउंट सेव होकर आने के बाद इस तरीके से टैप करने के बाद अभी आपके सामने जो पूरा प्रोसेस है वो ओपन होकर आ चुका है, जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा। अभी मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि मैं जिस भी क्रेडिट कार्ड से अपना ट्रांसफ़र करने वाला हूँ सबसे पहले उसकी लिमिट शो करवाता हूँ। तो यहाँ पर मैं दिखा दूँ आपको कि ये है मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट कार्ड और इसको SBI कार्ड एप्लीकेशन से आप लोग एक्सेस कर सकते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसको ओपन करता हूँ मैं फटाफट से, और ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी लिमिट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरी जो अभी अवेलेबल लिमिट है वो 40,993 रुपये है, 99.93 इस तरीके से, यानी कि पूरी ही लिमिट है बट यहाँ पर थोड़ा बहुत ये ग्लिच की वजह से इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, अभी आप मेरा लास्ट ट्रांजेक्शन भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन इस तरीके से शो कर रहा है 8,100 रुपये का, ठीक, जो कि मैंने रीपेमेंट करा हुआ है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां से पैसे को कैसे निकालना है, वो भी फ्री में 1 भी रुपए का चार्ज दिए बिना। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर आप कितने रुपए तक फ्री में निकाल सकते हैं। पिछली बार मैंने जब वीडियो बनाया था तो एक बंदे ने मेरे को कमेंट किया था कि भाई तू 100 रुपए निकाल के दिखा रहा है, यहां पर तो 50,000 निकाल के दिखा, तो फिर मैं मानूँ कि चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए मैं आज आपको 50,000 यहाँ पर दिखाता हूँ टाइप करके। हालांकि मैं ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा 50,000 का, बट 50,000 आपको दिखाता हूँ कि 50,000 पर भी यहाँ ट्रांजेक्शन पे चार्ज नहीं लगता है। तो चलिए मैं 50,000 रुपये टाइप करता हूँ। इधर आप देख पा रहे हैं कि मैंने 50,000 इधर टाइप कर दिया। उसके बाद हमको जस्ट इधर इमरजेंसी पे क्लिक करना है और इसके बाद इधर हमें नेक्स्ट पे इधर क्लिक कर देना होगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अभी आप देख पा रहे हैं सारे जो ऑप्शन है वो ओपन होकर आ चुके हैं। अभी यहाँ पर आपके सामने क्लासिक पे का ऑप्शन आ रहा है, कभी कभी यहाँ पर 3 आता है, क्विक ट्रांसफ़र, लेजी ट्रांसफ़र, तो आपको हमेशा क्लासिक पे वाले पर ही क्लिक करना है। उसके बाद क्लासिक पे पर क्लिक करने के बाद इधर आप देख पा रहे हैं कि आपको ऑप्शन मिलेगा पे 115.1 यूजिंग ए भारत NXT कैश, और हमारे पास है 1578। तो हम लोग इस पे क्या करेंगे, सिंपल सा
टिक कर देंगे। इसके पहले टिक करने से पहले मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो अगर आप लोग 50,000 रुपये निकालते हो तो इधर आप देख पा रहे हो कि आपको कितना चार्ज लग रहा है यहाँ। तो इधर आपको टोटल का जो चार्ज लग रहा है वो 1,115 रुपये लग रहा है, बट अगर आप इस पर क्लिक कर दे तो ये जो आपको भारत नेक्स्ट कैश मिलता है कैशबैक के रूप में, तो इधर आप देख पा रहे हो कि आपको पूरा का पूरा जो पैसा है वो फ्री में ट्रांसफ़र होने के लिए मिल जाता है। पूरा का पूरा जो चार्जेस है वो डिस्काउंट में कन्वर्ट हो जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11,115 रुपये, और ये इस तरीके से 100% फ्री तरीका बन जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी आपने कार्ड यहाँ पर सेव करा होगा वो इधर शो करेगा। अगर आपने दो तीन कार्ड सेव कर लिया तो जस्ट इस पर टैप करना है और आपका दोनों तीनों कार्ड शो होगा, जैसे कि अभी मेरे केस में स्टेट बैंक का और एक्सिस बैंक का शो कर रहा है। ठीक है, तो अब चलिए मैं इसको बैक करता हूँ और मैं आपको एग्जाम्पल के लिए पूरा ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर सिंपल सा मैं 100 रुपये या फिर आपको 1,000 रुपये का ट्रांजेक्शन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि प्रोसेस वही होगा चाहे मैं 100 रुपये निकालूँ चाहे 50,000 निकालूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 100 रुपये निकालता हूँ। उसके बाद 100 रुपये निकालने के बाद इधर आप देख पा रहे हैं 2.23 का चार्ज लग रहा है। मैं भारत नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा, उसके बाद सारा भारत नेक्स्ट का ऐसा डिस्काउंट हो जाएगा और सिर्फ हमें 100 रुपये यहाँ पर देना पड़ेगा। और ये हमारे हमको निकालना है अपने इस स्टेट बैंक के क्रेडिट कार्ड से, तो ये ऑलरेडी सेलेक्ट है। अगर हमको एक्सिस से निकालना था तो हम इस पर टैप कर देते, तो हमें क्या करना है सिंपल सा उस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद इधर आप देख पा रहे हैं सारे ऑप्शन इस तरीके से आ जाएंगे और आपका जो पैसा है वो 10 तारीख को 4 बजे से पहले पहले आ जाएगा। आज है अभी 9 तारीख, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट हमको क्या करना है सिंपल इस कंफर्म वाले पे क्लिक कर देना है, उसके बाद जो भी आपका सीवीवी है आपका क्रेडिट कार्ड का वो सीवीवी आपको इधर इंटर कर देनी है। तो इधर हमने अपना सीवीवी सक्सेसफुली एंटर कर लिया, हमको जस्ट कंटिन्यू करना होगा। उसके बाद हमारे क्रेडिट कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और उस वाले बैंक का पूरा इंटरफेस आएगा, जैसा कि ये स्टेट बैंक का है तो उसका इंटरफेस आ जाएगा। इधर आप देख पा रहे कि इंटरफेस आ चुका है और ओटीपी हम लोग को आ चुका है 406-327। इंटर करते हैं 406-327, उसके बाद जस्ट हम सबमिट कर देते हैं। और एक बार यहाँ पर गलत हो चुका है ओटीपी शायद से, मैं फिर से इंटर करता हूँ 406-327, और इसके बाद हम सबमिट करते हैं दोबारा से। एक बार मैं देख लेता हूँ 406-327, यहाँ पर यही ओटीपी है बट यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है 406-327। और एक बार मैं लास्ट बार ट्राई करता हूँ इसको, और इधर आप देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने ओटीपी इंटर किया है अब सक्सेसफुली जो हमारा ओटीपी है वो इधर ले लिया गया है और हमारा जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली डन हो चुका है। और आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी मैसेज आ चुका है कि यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन है वो कट चुका है और यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर ये पेमेंट आपको मिलेगा 10 अप्रैल को 4 बजे से पहले पहले। अभी मैं आपको बता दूँ इसको कुछ नहीं करना, सिंपल सा अब आपको बैक कर लेना है और अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको दिखेगा जो आपका ट्रांजेक्शन रहेगा। इससे पहले मैं 1,100 रुपये एंड 100 रुपये ट्रांसफर कर चुका हूँ। जब ये पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में तो ये जस्ट ये प्रोसेसिंग सक्सेसफुल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड में लेके चल के कि यहाँ पर आपको सिर्फ 100 रुपये कटा है, जिससे कि आपको ये बिलीव हो जाए कि यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा है। साथ ही में अभी मैं आपको मैसेज भी दिखाऊंगा तो इधर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब आप पिछली बार आए थे तो 0.7 रुपये पहले से ही था, अभी सिर्फ इसमें 100 रुपये ऐड हुआ है। आपको मैं इधर क्लिक करके दिखा दूँ इसके ट्रांजेक्शन्स पे ताकि आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में अगर आपको लेके आऊँ और इधर दिखा दूँ तो सारी चीज़ इधर से आपको दिख जाएगी पूरी अच्छे से, बट अभी यहाँ पर ट्रांजेक्शन तुरंत हुआ है तो शायद से शो नहीं कर रहा है, बट ये 1-2 घंटे में शो करने लगेगा। बट इधर आप देख पा रहे होंगे, वीडियो पीछे करके देख लेना, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये कटा। उसके बाद मैं मैसेज ओपन करके दिखा देता हूँ, इधर आप देख पा रहे हैं कि 100 रुपीज़ टोटल यहाँ पर स्पेंड हुआ है, 1 भी रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो पैसा है आपके अकाउंट में 10 तारीख को यानी कि कल के डेट में आ जाएगा और यहाँ पर इस तरीके से आप बिल्कुल ही फ्री में अपना जो क्रेडिट कार्ड का लिमिट है, जो क्रेडिट लिमिट है, उसको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर पाओगे, वो भी 100% फ्री। फिर उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दे दी है कैसे कैसे करनी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो कुछ और चीज एक्स्ट्रा पूछी तो हमें कमेंट करिए। आज के इस वाले वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।